सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल HK Vlogs और आज हम बात करने वाले हैं एमिवे बंटाई के बारे में। सो जैसे कि सबको पता ही होगा कि एमिवे बंटाई का भी रिसेंटली एक सॉन्ग आया है जिसका नाम है सुपर हिट, और इस सॉन्ग को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है YouTube पर। और करंटली ये गाना जो है YouTube के ट्रेंडिंग लिस्ट पे नंबर 47 पे ट्रेंड कर रही है। और जिस दिन ये गाना रिलीज किया गया था उसी दिन रात को 11:30 बजे एमिवे बंटाई जो है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए थे। सो एमिवे बंटाई ने उस लाइव में अपनी पब्लिक से काफी सारी बातें की, और एमिवे ने उस लाइव में फेक व्यूज और ऑर्गेनिक व्यूज के बारे में भी बात किया। तो एक बार सुन लो उन्होंने क्या कहा। मैंने इसमें काफी कुछ बोला, इनके सारे व्यूज फेक है भे। तो फेक मतलब पब्लिक एक जगह ही नहीं कनेक्शन लगाओ, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बहुत आर्टिस्ट हैं, सब फॉलोअर्स खरीदते हैं इंस्टाग्राम के, यूट्यूब व्यूज खरीदते हैं, लाइक भले से जो भी पैसे लगाते हैं, पैसे लगा के प्रमोशन करते हैं, इन शॉर्ट वही हो गया फेक व्यूज, बात खत्म हो जाती है। रियल क्या होता है, कुछ पैसा नहीं लगाया, गाना बनाया, यूट्यूब पे डाल दिया और सुन में बैठ गया, उसके बाद जो व्यूज आ गए थे वो ओरिजिनल है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक व्यूज। और जिसमें थोड़ा भी एक रुपया भी लगाया वो व्यूज ऑर्गेनिक नहीं है, भले से हाँ वो एक तरीका है, आई अंडरस्टैंड, बट मैं नहीं मानता उस चीज को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोगों का क्या मेरे को नहीं पता, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पैसा लगा के अगर तुम व्यूज प्रमोट करो वीडियो को, देन इट इज नॉट ऑर्गेनिक व्यू, इट इज नॉट व्यू जो तुम ऑटोमेटिक गेन कर रहे हो, बिकॉज ऑडियंस गेन करना ऑटोमेटिक, मैंने हमेशा यही सोचा है कि लाइक मैं सब गाने लगाऊंगा, मेरा टैलेंट, मेरा म्यूजिक इतना रीच करेगा कि इंशाल्लाह ऑटोमेटिक लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, पीपल आर लविंग इट ऑटोमेटिक, इतने सारे लोग व्यूज दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ट्रेंडिंग पे आ रहा है, एंड कुछ पैसा नहीं लगाया, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। सो उस हिसाब से मैं अपने गाने में शॉट देते रहे, तो ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा चीज। सो ये जो था सीधा सीधा रिप्लाई था बादशाह और रफ्तार के लिए, क्योंकि यार बादशाह और रफ्तार जो अपने सॉन्ग्स को एड पे लगा के प्रमोट करते हैं, स्पेशली यार बादशाह जो है काफी प्रमोट करते हैं अपने गानों को एड पे लगा के। सो अभी रिसेंटली बादशाह का एक गाना आया था उसको भी उन्होंने एड पे लगा के ही प्रमोट किया था। और अगर बात करें रफ्तार के बारे में तो रफ्तार ने भी रिसेंटली उनका एक गाना आया था जिसका नाम है आगे चल, उसको भी उन्होंने एड पे लगा के प्रमोट किया था। सो बेसिकली इसी सीन के बारे में जो है एमिवे बंटाई ने इस लाइव में बोला है, और एमिवे ने अपने लाइव में ये भी बोला था कि उनको डिस करने वाला एक नहीं दो नहीं मार्केट में हजारों हैं। और जब राज जॉन्स के इंटरव्यू में रफ्तार ने उनको डिस किया था उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बोला था, सुन लेते एक बार उन्होंने इन सब के बारे में क्या कहा। मार्केट में मेरे को डिस करने वाले एक दो नहीं है पब्लिक, इंटरनेट पे जाके चेक करो, डिस फॉर एमिवे बंटाई, कितने बैठे ले, हाँ बाबा कितने बैठे ले, पब्लिक को सिर्फ एक दो दिख रहे, बिकॉज वो लोग मेरे को बहुत डिस करके सामने डिश टीवी बन के आ गए, ले लोग सामने दिख गए, ले उनकी कोशिश वही है कि मैं मेरे को बोल बोल के एमिवे का नाम ले लेके ले लेके घर चला लो, माशाल्लाह चलाओ, दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए, अल्लाह पाक आपको और जिंदगी अच्छी करे आपके, मैं सबको प्यार मोहब्बत देता हूँ, आप अपनी जिंदगी में अच्छा करे और मस्त रहे, मस्त डिस करो मेरे को एक एक नंबर और घर चलाओ, ऐसी चलाना है तो चला लो, मैं पहले भी बोल चुका तुम्हारे बच्चे जब बोएंगे जो भी जिनके भी वो यही बोलेंगे मेरे अब्बा कैसे मुकाम हासिल किए, एमिवे को पहले गाली दिए उसके बाद लोग जानने लगे और इसलिए आज यहाँ पे यही होने वाला, बाकी अपने कुछ फर्क नहीं है, मैं मेरे दम पे आया लो पब्लिक, मेरे बारे में लास्ट ईयर रफ्तार ने इंटरव्यू में बोला था एमिवे इज नॉट अर्निंग राइट नाउ, वो बात मेरे को सही नहीं लगी, मेरे फैमिली को सही नहीं लगा, बिकॉज कोई नहीं होता है किसी का अपने खुले आम, मैं एक आर्टिस्ट हूँ ब्रदर, मैं अपना एक आर्टिस्ट हूँ और तुम मेरे बारे में मेरे अर्निंग के बारे में बिना जान पहचान के तुम दुनिया के सामने मेरे बारे में चीज बोलोगे, तो मैं मेरा हक रखता हूँ बिकॉज मेरे बारे में कोई कहीं पे बात किया है, तो मैंने किसी को कुछ बोला, मैंने ना गाली दिया ना मैंने कुछ बोला, मैंने अपना पॉइंट रखा, फिर सामने से पब्लिक पूरा डिस लेके आए, तो अपन भी फिर शॉट देने पे पूरा बैठ गए, तो इट वॉज ऑल ऑटोमेटिक थिंग, मैं जो भी चीज़ में बात करता हूँ वजह के साथ बात करता हूँ, बिना वजह के कभी किसी को डिस नहीं किया, फेम के लिए कभी किसी को डिस नहीं किया, वो डिस भी नहीं था, डिस का मतलब उन लोगों को अभी मालूम भी नहीं, अगर मैं डिस करने पे आ जाऊँगा ना बंटाए उल्टा लोटा लेके दौड़ोगे, जो जिसको भी एड़े चलेगा ना उल्टा लोटा लेके दौड़ोगे, लेकिन अपने वैसा करने का ही नहीं है, बिकॉज माशाल्लाह ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, आज आप लोगों के प्यार से 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स इन माय चैनल, और मैं काफी अपने लाइफ में मस्त कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी एंड आई एम हेल्दी, सब कुछ सही है मेरे लाइफ में, और मेरे को वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किसी का नाम नहीं लेना है, किसी को खोटा फेम नहीं देने का है, जो डिजर्व करता है उसके साथ कोलैबोरेट करूंगा, उसके साथ गाना बनाऊंगा, उसके गाने शेयर करूंगा, जो मेहनत करता है जो डिजर्व करता है, बिन मतलब तो कोई गाली देना बहुत आसान है पब्लिक, कामयाबी इंसान को देख के ना 10 लोग गाली देते, 10 क्या 50 करोड़ लोग गाली देंगे, बिकॉज वो कामयाब है, जब कामयाब नहीं रहता ना लोग तभी
साथ देते हैं, बोलते हैं ना जो फेक रहता है उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, बट द रियल वन जो असली है, जो रियल है, उसको कोई प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। ये जिंदगी का उसूल है, सब जान लो। सो यार ये थी एमवीवे बंटा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। और अगर कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है तो फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।